तो चलिए सरहुल रीडिंग हो गया, आइए फोकस करते हैं पैराग्राफ राइटिंग सरहुल को लेकर। सरहुल आदिवासी सभेक सोब से बोर परब है। तो सरहुल आदिवासी जितने भी लोग हैं उनका सबसे बड़ा परब कौन है? तो सरहुल है। तो सरहुल आदिवासी लोगों का सबसे बड़ा परब है। सरहुल आदिवासी सभेक सबसे बोर परब है, ठीक है। नेक्स्ट, ई परबे सखुआक फूल के चढ़ावल जा है। तो ई परबे मतलब इस पर्व में सखुआ के फूल को चढ़ाया जाता है। सरनाक जगह हरिया के तापन मतलब सरना स्थल में हरिया का तपान आर मुर्गा के बलि देल जा है। मुर्गा की बलि दी जाती है, स्थल उसका वही हुआ। ई पूजा में सूरज आर पृथ्वी के चिन्हात्मक विवाह हो है। इसमें सूरज और पृथ्वी का प्रतीकात्मक विवाह होता है। तो सरहुल में किसका किसका विवाह होता है? सूरज, तो सौ से सरहुल, सौ से सूरज और पृथ्वी का होता है, ठीक है। तो इसमें बलि में क्या चढ़ाया जाता है? तो हरिया का तापन और मुर्गे की बलि दी जाती है। ई पूजा में मुर्गा आर चावरे खिचड़ी के प्रसादी बनवल जा है। तो इस पूजा में किसका किसका? तो मुर्गा और चावल की खिचड़ी। एगो देखोगे मुर्ग खिचड़ी भी चलता है, उसमें उसमें पाठा का मूरी और खिचड़ी मिला के बनाया जाता है। लेकिन सरहुल में क्या होता है? मुर्गा है ना, अभी तो अभी हाल में हुआ था सरहुल, अभी हुआ था ना। हाँ, तो आप देखोगे तो इस पूजा में क्या होता है? मुर्गा और चावरेक मतलब चावल की खिचड़ी का प्रसादी बनाया जाता है, बनवल जा है। सभे कोई हरिया का सेवन कर हथिन, तो सभी व्यक्ति हरिया का सेवन करते हैं। ई पूजा में एगो थैली में पानी राखल जा है। तो इस पूजा में क्या करता है? एगो थाली में पानी रखा जाता है। घैलाक पानी हिसाब से बरसात के पहले से अनुमान करल जा है ना जी। तो घैला का पानी, घरे का जो पानी है, हिसाब से बरसात के पहले से अनुमान करल जा है, ठीक है। ई पूजा में सभे कोई पहान से आशीर्वाद ले हथिन। तो इस पूजा में सभी कोई क्या होता है? पहान से आशीर्वाद लेते हैं। सभी लोग क्या है? पहान से आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है। हाँ, अरे पंडित जी, पंडित जी, ठीक है। नेक्स्ट, कर्मा पूजा पे फोकस किया जाए।